छात्रों, स्वागत है आपका वी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं गणित के बारे में। और गणित में जो एक चैप्टर है इसका नाम है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां। ये किसी भी प्रकार की टीईटी का एग्जाम आप देते हो और यदि उसमें गणित आना है, जैसे एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उसमें गणित में एक चैप्टर लगा है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर्स। आज हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं। छात्रों, कुछ ज्यादा है नहीं है, ये जो डायमेंशनल या विमाएं होती हैं, ये उस संबंधित आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को विमाएं कहते हैं, उसकी साइड्स जो होती हैं। छात्रों, जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं इसमें दो विमाएं होती हैं, यहीं से आप समझ जाते हो। द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं, ये यहां हमने लिख रखा है द्विविमीय आकृतियां, इनमें छात्रों दो विमाएं होती हैं, मतलब इसमें केवल लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। फिर यदि हम कहें त्रिविमीय आकृति तो यहां तीन विमाएं होंगी, माने लंबाई चौड़ाई तो होगी ही, साथ में उस आकृति की ऊंचाई और मोटाई भी होगी। छात्रों, जैसे मान के चलो हम किसी त्रिभुज को देखते हैं, तो कभी नहीं आपने सुना होगा कि त्रिभुज का आयतन, कभी नहीं सुना होगा कि चतुर्भुज का आयतन, नहीं होते इनके। तो दूसरा जो अंतर हम कह सकते हैं, जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं उनके आयतन नहीं निकाले जाते, द्विविमीय आकृतियों के आयतन नहीं निकाले जाते, जबकि त्रिविमीय आकृतियों के आयतन निकाले जाते हैं। क्योंकि आयतन जो है, आयतन का जो मूलभूत सूत्र होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। संसार की जितनी भी आकृतियां हैं छात्रों, सभी के आयतन का बेसिक फार्मूला यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इससे आयतन निकलता है और लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे क्षेत्रफल निकलता है। तो जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं इनका हम परिमाप निकाल सकते हैं और द्विविमीय आकृतियों का हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जबकि जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं थ्री डायमेंशनल, इनके हम क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कुछ भी हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, कुछ भी, ये सब हम निकाल सकते हैं। छात्रों, बहुत से छात्र ये अंतर नहीं जानते कि परिमाप क्या कहलाता है, क्षेत्रफल क्या कहलाता है, आयतन क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, या हम कहें कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो ठीक है छात्रों, अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले हम आपको बता देते हैं इनमें अंतर, जो हमने ये लिख रखे हैं, लिखने में टाइम लगता है इसलिए हमने आपको ये सब पहले ही से लिख रखे हैं। सबसे पहले यहां आपको हम बताने वाले हैं ये द्विविमीय आकृतियां, ये छठवीं और सातवीं के कोर्स में भी है, एमपी टीईटी में स्पेशल मैथमेटिक्स में लगा है। द्विविमीय आकृतियों की विशेषताएं होती है, इसमें केवल दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, केवल ऊंचाई नहीं होती। इनके केवल परिमाप व क्षेत्रफल निकाले जा सकते हैं, इनमें मोटाई या ऊंचाई नहीं होती। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, टेन बोर्ड एक शब्द लिखा है, द्विविमीय आकृतियों की पहचान टेन बोर्ड द्वारा की जाती है, लकड़ी के बने बॉक्स होते हैं, इनमें उस संबंधित आकृति को रखा जाता है, यदि पूरी फिट बैठ जाती है तो फिर वो त्रिविमीय होती है, पूरी फिट नहीं बैठती तो द्विविमीय होती है। आप कैसे याद रखोगे, देखो दो के दुनिया में टेन आता है, दो का मल्टीपल है टेन, दो का अपवर्त है गुणज है दस, तो ऐसे हमें याद रखना है कि दो का गुणज है दस, तो द्विविमीय आकृतियों को टेन बोर्ड द्वारा चेक करते हैं, ठीक। और अभी ठीक है, इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, टीवी के सामने से जब आप टीवी को सामने से बैठकर देखते हो तो आपको द्विविमीय आकृति दिखाई देती है, त्रिविमीय आकृति नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको आप पकड़ नहीं सकते। एक और पहचान होती है द्विविमीय त्रिविमीय की, कि द्विविमीय आकृतियां यदि आप देखते हो तो इनको आप कहीं से भी देखो आप पूरा देख सकते हो, मतलब टीवी के सामने जब आप बैठे होते हो तो आपको पूरा आदमी दिखता है, जो कुछ भी वो कर रहा होता है आपको सब उसके हिस्से नजर आते हैं, पूरा आदमी दिखता है। बाकी जो त्रिविमीय आकृति होती है इनको कहीं से भी देखो ये आधी दिखती है, त्रिविमीय आकृतियां जो होती है इनको कहीं से भी देखो कैसी दिखती है, आधी दिखती है, एक पहचान त्रिविमीय की ये है। त्रिविमीय की कुछ विशेषताएं हमने और यहां पर लिख रखी है, इनको आप देख सकते हो। त्रिविमीय आकृतियां जो थ्री डायमेंशनल होती हैं, डायमेंशनल मतलब विमाएं आकार,
इनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और मोटाई होती है त्रिविमीय आकृतियों में। इनमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते, आयतन भी निकाल सकते हो। इनके आयतन नहीं निकलते, लिखा हमने, जीव बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जाती है। ये भी लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है जिसको हम जीव बोर्ड कहते हैं, इसके द्वारा त्रिविमीय आकृतियों की जांच की जा सकती है। ये समतल होती है द्विविमीय आकृतियां, और त्रिविमीय आकृतियां अधिकांशतः समतल नहीं होती। हाँ, वो टीवी वाला जो हम बता रहे थे कि टीवी, कई आपने देखा होगा बड़े शहरों में आप जाते हो तो कुछ फिल्में अलग से आती हैं, 3D, 3D, छात्रों उनको देखने के लिए अलग से 3D के काले चश्मे दिए जाते हैं। मतलब वो उनमें कोई, अभी हमें जैसे 2D में हम जो टीवी में फिल्म देखते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि जो व्यक्ति है वो दीवार से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये हमें दूरी का एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है कि दीवार से सट कर खड़ा है। लेकिन छात्रों त्रिविमीय जो फिल्म होती है उसमें हमें यह भी पता लग जाता है कि जो भी नायक नायिका जो भी खड़े हुए हैं वो दीवार से कितनी दूरी पर हैं, या छत जो है वो कितनी दूरी पर है, या हमें सब पीछे और ऊपर नीचे की पूरे हमें स्थिति समझ में आ जाती है 3D में। ठीक है छात्रों, अब हम जो आपसे कह रहे थे जैसे 3D में, हम ये पुस्तक आपको बताएं 3D में क्या होता है कि देखो ये पुस्तक है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, और इसकी ये मोटाई या ऊंचाई भी है। ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? 3D आकृतियां। अब छात्रों आपको क्या आने वाला होता है, यहां से 2D या 3D में से कैसे प्रश्न आते हैं इनको आप समझो। दैनिक जीवन के कुछ भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए जा सकते हैं। जैसे वो यहां 3D में कह देंगे चाक का डिब्बा, पासा, यहां हमने नहीं लिखा पासा, डायस आठवीं आकृति हम यहां लिख सकते हैं, पासा डायस चपेटा जिसको हम कहते हैं, ये त्रिविमीय होता है 3D, बिल्कुल एकदम घन के जैसी आकृति होती है पासा। तो ऐसे ही वो कहेंगे कि पुस्तक, तो आपका होगा कि ये त्रिविमीय है, पासा, चाक का डिब्बा, दरवाजा, गिलास, शंकु, कोई पात्र, बर्तन, समझ जाओगे हम आपको आगे ये सब चीजें बताने वाले हैं। छात्रों पहले हम आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने वाले हैं, और ये आपके सिलेबस में है, और बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं छात्र बहुत, लेकिन ये सब चीजें उनको पता नहीं लग पाती, तो इन चीजों को हम आपको बताए दे रहे हैं। सबसे पहली जो चीज होती है छात्रों, ये होता है परिमाप। अब आपको ये समझना है परिमाप क्या कहलाता है। छात्रों परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर जो होता है, परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति की समस्त भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। जैसे हम छात्रों कहें कि कोई भी हमने एक त्रिभुज यहां पर बना दिया, और ये भुजा हमने दे दी 3 सेंटीमीटर, ये दे दी 5 सेंटीमीटर, ये दे दी हमने 6 सेंटीमीटर। अब आपसे यदि कहा जाए इसका परिमाप क्या होगा, तो हम सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ लेंगे, 3 और 5, 8 और 6, 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। या कोई चतुर्भुज दे दिया, मान के चलो हमें एक वर्ग चतुर्भुज दे दिया, वर्ग की चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती, अब वो कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, तो कुछ नहीं, हम कहेंगे अब एक 4 है तो पूरी 4 ही 4 सेंटीमीटर की होंगी, वो 4 बार जब हम जोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर। या कुछ भी हम कहें कि आयत है, कोई एक आयत यहां पे बना हुआ है, और हम यदि कहें कि इसका इसकी मान के चलो लंबाई 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4, अब हम जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो ये भी 4 हो जाएगी, और 2 के सामने की ये भी 2 हो जाएगी, तो 4 और 2, 6, 4, 10 और 2, 12 सेंटीमीटर आयत का परिमाप निकलेगा। या छात्रों हम कहें कोई भी चतुर्भुज हम ले लें, मान के चलो हम समलंब चतुर्भुज को ले लें जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 असमांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो कुछ भी 4 है ये 3 है ये 8 है ये 6 है, इन सबको हम जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, परिमाप। अब ये तो हो गई व्यवहारिक बात, मतलब परिमाप मतलब समझना समस्त आकृतियों की लंबाइयों का जोड़, उस आकृति का क्या कहलाता है, परिमाप या पेरीमीटर। जैसे कई कई बार एग्जामिनर ऐसे प्रश्न कर देता ए बी सी डी इस फॉर्मेट में दे देंगे और कहेंगे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि 4 भुजाएं हैं तो हम कहेंगे इसका परिमाप इस प्रकार से होगा, 4 भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ ऐसा लिखा है, PQRST कुछ भी हो, कैसी भी आपको अल्फाबेट दे सकता है, हमें बस ध्यान रखना। अच्छा अब साफ साफ यदि लिखा आता है कि परिमाप निकालिए तो बच्चे निकाल लेते हैं। कई कई बार क्या होता है कि वहां पर स्पष्ट लिखा नहीं आता कि परिमाप निकालिए, तब हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए चलो वो कह देंगे कि कोई एक बगीचा है, वो कहेंगे कि आयताकार है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना है, तो क्या निकालोगे उस परिमाप, भाई चारों ओर चक्कर लगाओगे तो यहां से चलोगे और चल के आप कहां, यहीं आ जाओगे,
एक चक्कर पूरा होगा तो क्या कहलाएगा, ये परिमाप। या मान के चलो एग्जामिनर आपसे कह देता है कि कोई आयताकार खेत है या पार्क है या बगीचा है, इसके चारों ओर तार लगना है, कितना तार लगेगा, तो परिमाप के बराबर तार लगेगा, परिमाप निकालो। मतलब परीक्षाओं में एकदम साफ नहीं लिखा होता है कि परिमाप निकालो, पर हमें कंसीडर करना होता है कि हम क्या करें, परिमाप निकालें, क्षेत्रफल या आयतन क्या निकालें, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। या मान के चलो वो कहता है कि एक आयताकार खेत है, या मान के चलो वृत्ताकार खेत है, इसके चारों ओर बागड़ा लगना है, बिरवाई लगना है जिसको कहते हैं, तार लगना, फरसी लगना, तो कितना तार लगेगा, तो परिमाप के बराबर। यहां से चलना शुरू किया और यही आके मतलब एक चक्कर किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर में चली गई दूरी उसका परिमाप कहलाती है। आप समझ गए होंगे अभी हमें आकृतियां बना के इनके परिमाप आपको निकाल के बताने वाले हैं कि ये कैसे निकल रहे हैं। ठीक है छात्रों, अब परिमाप पे चर्चा हो गई। दूसरे नंबर पे हम आपको क्षेत्रफल बताने वाले हैं कि क्षेत्रफल क्या कहलाता है। छात्रों क्षेत्रफल क्या कहलाता है, और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप निकालते हो तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे हम जिस फर्श पे खड़े हुए हैं इतनी ये पूरी जगह है। मान के चलो क्षेत्रफल में आपसे कैसे कैसे प्रश्न करे जाते हैं, जैसे कहीं मुरम बेचना है, जैसे हम कहें क्षेत्रफल, कब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, जैसे हम किसी कमरे में हैं और आपसे कहा जाए कमरे की लंबाई चौड़ाई दे दे, में कहें कि इसमें दरी बिछाई जाना है, कितनी दरी का क्षेत्रफल क्या होगा या कितनी माप की दरी बिछेगी, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। कितने टाल्स लगेंगे, तो टाल्स कहां लगेंगे, कितने पत्थर लगेंगे, जमीन में ही बिछेंगे ना, पूरे में, प्लेन में, ये क्षेत्रफल कहलाता है। या कहें कि मुरम बिछना है, कोई बगीचा है इसमें मुरम बिछना है, कितनी जगह पर मुरम बिछेगी, या कहीं सड़क बनना है, कितनी जगह पर सड़क बनेगी, या कहें कि हरी घास लगाना है, तो जमीन में पूरा जो प्लेन में जो चीजें होती हैं, या हम कहें कि फर्श पक्का होना है, या हम कहें कि छत पक्का होना है, पूरा फर्श पक्का करोगे ना, पूरी छत पक्की करोगे, तो ये क्या कहलाता है छात्रों, क्षेत्रफल। कभी भी स्पष्ट लिखा नहीं आता कि क्षेत्रफल निकालो, वो यही कह देते हैं कि एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या कुछ भी कह देंगे कि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पक्का होता है, कितना खर्चा लगेगा, इस टाइप के ऐसे प्रश्न आपको यहां पूछे जाते हैं। आप समझ रहे होंगे क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया। इसके बाद में आता है छात्रों तीसरी जो भौतिक इकाई होती है, ये कहलाता है आयतन। आयतन आयतन क्या कहलाता है, खासकर इसको आयतन भी कहते हैं, इसको हम धारिता भी कहते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम या कैपेसिटी भी कहते हैं, इसको हम क्षमता भी कहते हैं। और कोई भी आकृति हो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका बेसिक फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका बेसिक फार्मूला। मतलब आयतन में ऊंचाई भी होती है। अब आयतन क्या कहलाता है, जैसे हम इस कमरे में खड़े हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इस कमरे में कितनी हवा भरी है, तो कभी नहीं आयतन तो नहीं पूछा, पर कमरे का आकार दे देंगे, घनाकार है या घनावाकार, तो कितनी हवा भरी है। छात्रों कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है, जैसे हवा ने, हवा यहां से चली वहां पूरे पूरे में भरी, तो ये हवा का क्या हो गया, आयतन। या हम कोई टंकी में पानी भर दें, आप देखो अच्छे समझो, कोई टंकी दे दे में एक, वो टंकी बेलनाकार है या घनाकार घनावाकार, हो कहेंगे टंकी में कितना पानी भरा है, तो आप क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, कि परिमाप, आयतन होता है। ठीक, आयतन होता है, आयतन मतलब पूरों में भरी हुई, या तो पानी भरा हुआ है किसी नदी में या किसी होज में या किसी टंकी में, या हवा भरी हुई है, या मान के चलो हम इसमें कुछ भी भर दें, हम कपड़े भर दें पूरे यहां से वहां इस कमरे में पूरे कपड़े पैक कर दें, तो वो क्या कहलाएगा उस कमरे का, आयतन। या मान के चलो एक बहुत बड़े कार्टून में बॉक्स में हम माचिस की डिब्बी भर दें, पूरी प्लेन भर दें ऊपर से नीचे, तो वो क्या कहलाएगा उसका, आयतन। समझ रहे होंगे आप। आयतन के बाद छात्रों हम चलते हैं, एक कहलाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। छात्रों वक्र मतलब होता है बाहरी, वक्र का मतलब क्या होता है, बाहरी। मान के चलो जैसे हम कहें ये कमरे को ले लो आप, एक कमरा है चौकोरा, आपको समझ में नहीं आ रहा पर हम समझ पा रहे, एक चौकोर कमरा है, इसकी जो चारों दीवारें हैं, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और चार दीवार, या हम कहें कि पानी की टंकी है चौकोरा, बहुत बड़ी चौकोर,
उसमें यदि ऊपर मतलब नीचे का फर्श और ऊपर का छत यदि छोड़ दिया जाए, मतलब यदि वो घनाकार टंकी है, कुछ भी यदि वो घनाकार टंकी है उसमें हम नीचे फर्श और ऊपर का छत यदि हम छोड़ दें तो बचती क्या है, चारों दीवार है। या कमरे से आप समझ लो, नीचे का फर्श हमने छोड़ दिया और ऊपर का लेंटर हमने पूरा छोड़ दिया, अब क्या बची, चारों दीवारें बची। तो ये जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति का, वही कहलाता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी बाहरी क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है छात्रों। इसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा छोड़ दिया जाता है। अब एक चीज होती है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया, यदि हम उसमें फर्श का क्षेत्रफल भी शामिल कर लें और लेंटर ऊपर का क्षेत्रफल भी शामिल कर लें तो ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। माने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में नीचे फर्श का क्षेत्रफल और ऊपर छत का क्षेत्रफल यदि शामिल कर दिया जाए तो यह कहलाता है छात्रों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फिर से द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों पर, इनको देखते हैं, समझ लेते हैं। यहां सबसे पहले त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। त्रिविमीय आकृतियों से संबंधित आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मान के चलो पहली जो आकृति है ये लिखा है घन। छात्रों घन या हम कहें चाक का डिब्बा, बिल्कुल ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई बराबर होती है, मतलब प्रत्येक भुजा घन की वर्गाकार होती है। देखो हमने ये वर्ग चतुर्भुज बनाया है और यदि हम इसको इस प्रकार से बना दें तो ये आकृति क्या कहलाती है छात्रों, ये घन कहलाती है। कभी यदि आपको ऐसी आकृति बनी आ जाए तो आप समझना कि ये घन है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बराबर है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई ये यदि बराबर है तो आप समझना ये घन है। अब घन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं और घन यदि आ जाए तो देखो घन का आयतन होता है, सुना होगा आपने घन का आयतन होता है भुजा का घन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन। घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन भुजा का घन। मतलब जिन चीजों के आयतन निकलते हैं वो त्रिविमीय, आप समझ जाओगे त्रिविमीय है। हालांकि घन की और भी विशेषताएं हो सकती है। घन में क्या होता है, घन में 12 कोरें होती है, कोरें मतलब 12 भुजाएं होती है, ये 1 2 3 इस प्रकार से 12 कोरें होती है। 8 शीर्ष होते हैं घन में, 2 3 4 5 6 7 8 घन में 8 क्या होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। फलक कितने होते हैं, फलक फलक मतलब सतह। आप कमरे को ले लो तो चारों दीवार है 5 और 1 6, चाक के डिब्बे को ले लो चारों तरफ से 4 और ऊपर नीचे के 6 फलक या 6 सतहें होती हैं, 6 फलक या 6 सतहें होती हैं। इसमें पार्श्व फलकें भी होती हैं छात्रों, पार्श्व फलकें। पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होती है, 4। पार्श्व माने बाजू बाजू की, मतलब आधार फलक को छोड़कर और ऊपर के फलक को छोड़कर शेष जो 4 सतहें बचती हैं फलकें उनको हम क्या कहते हैं, पार्श्व फलकें। इसमें छात्रों घन या घनाम में विकर्ण भी होते हैं और घन या घनाम में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। कभी छात्रों आगे देखते हैं हम घनाभ। घनाभ क्या कहलाता, तो ये हमने एक आयत बनाया और एक आयत हमने और बनाया, मतलब 2 आयत बन गए। अब यदि हम इनको इस प्रकार से मिला दें मैं तो ये आकृति क्या कहलाती है, घनाभ। छात्रों जो घन में होता है वही घनाभ में होता है, बस केवल अंतर यह है कि घन की जो 6 सतहें होती हैं वो वर्गाकार होती हैं और घनाभ की जो 6 सतहें होती हैं ये आयताकार होती है, यही अंतर है। बाकी घन में भी क्या होगा, 8 शीर्ष होंगे, 12 भुजाएं होंगी, 4 पार्श्व फलक होंगे, 6 फलक होंगे और 4 विकर्ण होंगे। विकर्ण आपको बता नहीं पाए, विकर्ण जो कहलाते हैं, जैसे आप किसी कमरे में बांस रखो, लंबे से लंबा बांस रखना है या लंबे से लंबा पाइप या छड़ी रखना है तो विकर्ण हमें निकालना पड़ता है। हालांकि घनाभ का जो विकर्ण होता है ये √a² + b² + c² इसमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की ये मान है, इसमें यदि हम मान रख देते हैं, अब ये विकर्ण कहलाते हैं। इस कोने से लगाओगे यहां नीचे तक, फिर वहां नीचे यहां ऊपर तक, फिर इस कोने में, तो 4 बांस लगेंगे, 4 बांस रख सकते हैं आप लंबे से लंबे, तो वो क्या कहलाते हैं, घनाभ के
विकर्ण। छात्रों एक फार्मूला और हम आपको बता रहे हैं, किसी भी, अच्छा ये घनाभ हमने लिख रखा था यहां, वो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। एक ये घनाभ आप समझ गए होंगे, घनाभ की प्रत्येक फलक कैसी होती है, आयताकार होती है, वो घन की कैसी होती है, वर्गाकार होती है। घन और घनाभ समझ गए, मतलब घनाभ भी कैसी आकृति हो गई, थ्री डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति, कोई टंकी वगैरह यदि आपको चित्र बने आ जाए तो आपको क्या कहना है कि ये क्या होगा, ये घनाभ होगा, ठीक है। छात्रों आगे देखते हैं, हाँ एक फार्मूला हम आपको बता रहे थे, भूल रहे थे कि कभी यदि किसी आकृति के विकर्णों की संख्या निकालने को आ जाए, किसी आकृति के यदि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आ जाए तो छात्रों आपको फार्मूला का उपयोग करना है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ये किसी भी आकृति में यदि भुजाओं की संख्या n दी गई है तो यहां से आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो जैसे हम कहें और ये किसी बहुभुज में है, ठीक है, ये बहुभुज नहीं कहलाते घन घनाभ, ये ठोस आकृतियां हैं, ये देखो पूरी की पूरी ठोस आकृतियां हैं, ये अंतर हम लिख नहीं पाए समझ लेना, जो ये वाली आकृति होती है त्रिविमीय ये ठोस होती है, ये वाली ठोस नहीं होती द्विविमीय, एक अंतर ये भी हो गया ध्यान रखना, वहां लिखा नहीं आप लिख लेना। जैसे हम कहते हैं कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती, दो, दो विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में पता हमें, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं, जैसे हमने ये चतुर्भुज बनाया तो इसमें कितने विकर्ण हैं, दो विकर्ण हैं। अब इस फार्मूला में यदि आप एन की जगह चतुर्भुज में चार रखते हो तो चार गुणा चार गुणा तीन बटे दो, सिंप्लीफाई करोगे तो चार गुणा चार में से तीन गए एक बचा बटे दो, दो से चार कैंसिल आउट करे दो एकम दो, इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला, दो। माने एन की जगह यदि हमने चार रखा है तो ये विकर्णों की संख्या कितनी निकल के आई, दो, एन यहां भुजाओं की संख्या है। अब यदि इससे आप कैसे प्रश्नों को हल कर सकते, जैसे कभी आपसे कह दिया जाए कि पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे तो पंचभुज में तो एन का मान कितना होगा, पांच, और विकर्णों की संख्या कितनी होती, एन इंटू ये लिखा एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, माने पांच गुणा पांच ऋण तीन बटे दो, तो पांच गुणा पांच में से तीन गए दो बचे गुणा दो, गुणा लगाए तो ये दो से दो कैंसिल आउट कितने बचे, पांच, मतलब पंचभुज में विकर्णों की संख्या छह। यहां से छात्रों तुम कैसे प्रश्नों को बना सकते हो, कभी यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी आकृति में दस भुजाएं हैं कितने विकर्ण होंगे तो आप एन की जगह दस रख सकते हैं, और इसी को हम रिवर्स यदि कर दें, अभी इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, यदि विकर्णों की संख्या दे दें तो भुजाओं की संख्या भी आप निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या दे दें तो विकर्णों की संख्या आप निकाल सकते हो इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है छात्रों। तो यहां हम आपको बताने वाले हैं, अगला हम गोला बताने वाले हैं, और गोला का मतलब क्या है, ठोस गोला, ठोस गोला ये गोला कहलाता है छात्रों, गोले का जो आयतन होता है ये चार बटे तीन आर घन होता है, आर उसकी त्रिज्या कहलाती है, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, गोले का पृष्ठ भी होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, क्षेत्रमिति में कभी हम ये सब चीजें आपको बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं बेलन, यदि कभी कोई सिलेंडर जैसा आपको मिल जाए तो ये भी त्रिविमीय आकृति होती है बेलन। छात्रों ये यहां से यहां ये बेलन की हाइट माने ऊंचाई कहलाती है और ये त्रिज्या कहलाती है, बेलन का जो आयतन होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है छात्रों। बेलन का वक्र पृष्ठ भी होता है, मतलब केवल टंकी में बाहर बाहर से चद्दर लगा है, यदि कोई बेलनाकार टंकी और बाहर बाहर से चद्दर लगा, ऊपर खुली और नीचे खुली तो कितना चद्दर लगेगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है टू पाई आर एच। अब यदि कहा जाए कि बेलनाकार टंकी है, चारों तरफ भी चद्दर लगा है और ऊपर नीचे भी लगा है, मतलब बंद है, कुल कितना चद्दर लगता है, तो आप संपूर्ण पृष्ठ निकालो, यदि ऊपर नीचे बंद है तो संपूर्ण पृष्ठ होता है टू पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है छात्रों बेलन का। तो बेलन भी एक त्रिविमीय आकृति हो गई, हम ये बताना चाह रहे थे, बेलन जैसी कोई आकृति यदि आपको बनी आ जाए परीक्षा में तो कह देना कि ये त्रिविमीय है। फिर छात्रों यहां शंकु लिखा है, ये शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है, ये त्रिक ऊंचाई कहलाती है, ये इसका नीचे आकाश जो सिरा होता है ये वृत्ताकार होता है, ये शंकु की त्रिज्या कहलाती है,
खैर आपको टीटी के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं तो इतना सब तो ये आना नहीं है। हालांकि शंकु का जो आयतन होता है ये 1/3 πr² h होता है, मतलब कोई भी शंकु जो है ये बेलन, शंकु का आयतन जो है वो बेलन के आयतन का तिहाई होता है। ठीक है, इस टाइप से बेलन का वक्रपृष्ठ कहें तो ये πr(l) होता है। इस टाइप से इतने सभी आपको तो जरूरी नहीं है, कभी क्षेत्रमिति में आपको विस्तृत बताएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों ये वाला डायग्राम यदि कभी आपको बना जाए तसला जैसा तो ये क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है, 2/3 πr³, क्योंकि गोले में केवल त्रिज्या ही होती है, r का बस काम है। ठीक है छात्रों, ये छिन्नक, छिन्नक मतलब छात्रों ये बाल्टी कहलाती है। ये आपको बनी आ जाए कभी तो कहना ये ठोस आकृति, मतलब ये त्रिभुवी है। आप कहीं से भी देखोगे आधी बाल्टी दिखेगी आधी दिखेगी नहीं, शंकु को बीच में से काट दिया जाए तो छिन्नक प्राप्त होता, मतलब बाल्टी कहलाती है। ठीक है छात्रों, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में और हम लिख दें प्रिज्म, हम प्रिज्म को भी कह सकते हैं। प्रिज्म भी कैसी आकृति है, प्रिज्म भी त्रिभुवी आकृति है। अच्छा, प्रिज्म जो पिरामिड होते हैं इनके आधार अलग अलग होते हैं, अलग अलग आधारों पर प्रिज्म और पिरामिड बनाए जाते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे हम छात्रों आगे देखते हैं, प्रिज्म, प्रिज्म भी 3D आकृति है। हालांकि प्रिज्म कैसे बनाए जाते हैं, प्रिज्म के आधार अलग अलग होते हैं। हमने देखो यहां दो प्रिज्म बना रखे हैं, ये त्रिभुज आधार का प्रिज्म है और ये चतुर्भुज आधार का प्रिज्म है। छात्रों प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मतलब देखो आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दो बमाएं छिप गए और एक ऊंचाई। ठीक है छात्रों, यहां पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है, पिरामिड का क्षेत्रफल होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, हाइट। ये पिरामिड का क्षेत्रफल होता है छात्रों। इसके बाद में यदि हम कहें कि फांसा या डाइस, ये भी त्रिभुवी आकृति है। चपेटा जो बालक बालिकाएं खेलते हैं ये डाइस कहलाता है। पांसा, पांसा भी कैसी आकृति होती है, पांसा भी त्रिभुवी आकृति होती है। छात्रों तो त्रिभुवी आकृतियां हमने आपको बता दी। इसके बाद हम देखते हैं पांसा को घनी समझा जाता है। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं द्विभिन्नी आकृतियां। तो द्विभिन्नी आकृतियों में क्या होता है, सभी प्रकार के त्रिभुज, ये लिखा देखो सभी प्रकार के त्रिभुज। अब सभी प्रकार के त्रिभुज कौन कौन से हो सकते, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। और कभी आपको आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप a धन b धन c, या अब तीनों भुजाएं एक सी हैं तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 18 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है छात्रों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती। एक हम कह सकते हैं आपसे, अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है कर्णी 3/2 गुणा भुजा का वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हैरो से भी फाइंड किया जा सकता है, हैरो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक हैरो का फार्मूला भी होता है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं फाइंड हो तो एस, एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी, इससे भी निकलता है। पर जनरली समबाहु त्रिभुज में क्या है, एबीसी के मान आप कितने रख दो, समान रख दो। और एस क्या कहलाता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप देखो ए धन बी धन सी, ये पूरा परिमाप हो गया और दो का भाग दे दिया तो अर्ध परिमाप हो गया और ये एस की वैल्यू कहलाती है। कभी सिखाएंगे आपको निकालना। इसके बाद छात्रों हम देखते हैं समबाहु हो गया, विषमबाहु आपको बता दिया हमने। किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यदि आधार और ऊंचाई दे रखा है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है छात्रों। यदि हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो आप पेन कापी उठा के और फटाफट से आप लिखते जाएं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है किसी प्रकार की भुजाओं के आधार पर। जो तीसरे प्रकार का त्रिभुज होता है समबाहु विषमबाहु, एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी किसी प्रकार से बना लो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ये 6 सेंटीमीटर की है और ये 6 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की है। अब आप देख रहे हैं कि यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु होगा। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, जैसे कुछ भी ए धन त्रिभुज का परिमाप तो वही होगा ए धन बी धन सी बटे दो। अब यहां ए मान लो और यहां ए मान लो और यहां सी बटे दो, ये दो कोई भी एक सी रख दो, तीसरी अलग रख दो।
फिर छात्रों सभी प्रकार के त्रिभुज में तीन प्रकार के त्रिभुज हम आपको बता चुके, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से छात्रों कैसे प्रश्न आते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण न्यून कोण हो, ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ये न्यून कोण त्रिभुज। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। बहिष्कोणों का योग तो 360 होता है, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज कोई भी ले लो, इसके सभी बाह्य कोणों या बहिष्कोणों का योग तो 360 होता है, उस पर चर्चा अपन बाद में करेंगे। अंतः कोण मतलब ये वाले, इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना होता है 180। तो न्यून कोण त्रिभुज कैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई एक कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। अब छात्रों का भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक न्यून कोण त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो एक न्यून कोण त्रिभुज में अधिकतम तीन न्यून कोण हो सकते हैं, समकोण एक भी नहीं हो सकता, अधिक कोण एक भी नहीं हो सकता। दूसरा हम चलते हैं तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम कैसे परिभाषित करते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक भुजा ये लंब होती है, एक भुजा आधार होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कहीं भी लिखा हो, किसी कहीं भी समकोण बना हो, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है छात्रों, ये कर्ण कहलाती है। और समकोण त्रिभुज का भी परिमाप वही होता है, लंबाई धन आधार धन कर्ण, परिमाप हो गया। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसमें लंब से मतलब नहीं होता और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल आता है, ठीक है। अब कभी आपको प्रश्न आ जाए कि एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण त्रिभुज होंगे, कितने समकोण होंगे, तो एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक ही कोण 90 का हो सकता है, क्योंकि 90 अंश के कोण को ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, आप याद रखें। और जो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है वो इसी समकोण त्रिभुज में लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है छात्रों। अगला जो होता है त्रिभुजों के आधार पे वो होता है, और ये हम जो लिखते जा रहे हैं ये समझ लेना आप, ये सब द्विविमीय आकृतियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। त्रिभुजों के पूरे प्रकार द्विविमीय आकृतियां, चतुर्भुज के पूरे प्रकार द्विविमीय आकृतियां। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे हमने आपसे कह दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। अब यदि आपको पंचभुज का पूछ लिया जाए कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 2, 3, 4, 5, ये पंचभुज बना दिया, यदि इसके पांचों कोणों का योग आपसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। तो छात्रों कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज आपको दे दिया जाए, इसका एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है कोण निकालने का, किसी भी आकृति में कुल जो है, कुल कोणों का जो योग होता है, किसी भी आकृति के कुल कोणों का जो योग होता है ये होता है n माइनस 2 इंटू 180, एन ऋण 2 गुणा 180, जहां n क्या है भुजाओं की संख्या। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का जब 180 अंश होता है तो हम देखो यहां n की जगह त्रिभुज में 3 हो जाए तो 3 ऋण 2 1 गुणा 180 आ जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है तो यहां 4 रखो, 4 ऋण 2 180 का दोनों गुणा हुआ 360। अब यदि पंचभुज का आ जाए तो आप n की जगह लिखो 5 ऋण 2 और गुणा 180, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180, 18 3 54, मतलब पंचभुज के सभी पांचों अंतः कोणों का योग कितना होगा 540। एन का मान इस फार्मूला में रख के जो एन भुजाओं की संख्या है उस बहुभुज में आप किसी भी आकृति के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हो, अंतः कोणों का योग यदि दिया है तो हम भुजाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, आगे बताएंगे आपको। इसके बाद हम छात्र होते हैं अधिक कोण त्रिभुज पे, तो अधिक कोणों की परिभाषा क्या होती है, 90 अंश से अधिक के कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं, 90 में सीधा लंब बताए साफ होता है तो अधिक कोण मतलब 120 मान लो, ये कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब प्रश्न आता है कि कितने अधिकतम अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक ही अधिक कोण हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में सभी प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं ये सभी द्विविमीय आकृतियों में आ जाते हैं, जैसे हम कहें वर्ग चतुर्भुज, ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं वर्ग चतुर्भुज। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, या हम ये सब ए मान लें तो ऐसा भी कह सकते वर्ग का परिमाप 4 ए, 4 बार आप भुजा जोड़ दो, ठीक है। वर्ग का छात्र क्षेत्रफल भी होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग,
या भुजा गुणा भुजा, ये वर्ग का क्षेत्रफल। अब पेन कापी उठा के लिखते जाओ जल्दी जल्दी। इसके बाद छात्रों हम चलते हैं आयत। ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो, वो प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के परिमाप की यदि हम चर्चा करें तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, या आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, यहां से भी आप परिमाप निकाल सकते हो। ठीक है, आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। फिर यहां एक होता है समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भी कोण 90 अंश का ना हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो, माने चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होगा, वो समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बनाया जाए, लिखा जाए तो आप कहना ये द्विभिन्न आकृति। ठीक है, वर्ग जैसा ही हल होता है, क्षेत्रफल परिमाप। फिर एक होता है इसमें समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज छात्रों, समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? समांतर भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, एक युग्म समांतर होता है और दूसरा असमांतर। जैसे ये और ये समांतर है लेकिन ये असमांतर है दो, तो ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का परिमाप भी होता है ए धन बी धन सी दंडी, चार भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। छात्रों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अलग फार्मूला है, क्षेत्रफल है 1/2। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समलंब चतुर्भुज का गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। फिर छात्रों एक बचता है समांतर चतुर्भुज, एक बचता है समांतर चतुर्भुज। तो प्रत्येक वर्ग या आयत एक समांतर चतुर्भुज है। हालांकि परिभाषा कैसी करते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें नहीं हमेशा हाँ वर्ग और आयत है समांतर चतुर्भुज है, सही है। समांतर चतुर्भुज छात्रों क्या कहलाता है? जिसमें जैसे हम इसमें कोई भी नाम दे दें ए बी और सी डी, तो यदि ए डी समांतर हो बी सी के और ए बी समांतर हो सी डी के, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं के दो जोड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो छात्रों आज हमने देखा द्विभिमीय और त्रिभिमीय आकृतियों के बारे में। यहां से आपको प्रश्न कैसे आएंगे? आकृतियां छांटने के लिए आएंगी, लिख देंगे घन घना गोला बेलन शंकु, इनमें से कुछ भी दे दे तो आप समझना त्रिभिमीय है। त्रिभुज का कोई प्रकार दे दें, चतुर्भुज का कोई प्रकार दे दें, या पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज दसभुज, ये सब द्विभिमीय आकृतियों में आती है। छात्रों वीडियो लंबा जा रहा है, यदि आपको हम आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वर्ग 3 वाली, ये पूरी गणित करवाएंगे, पूरी गणित की पेडागोजी करवाएंगे, बस आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको जो समस्या है जिस विषय की वीडियो आप हमसे चाहते हो, आप हिंदी पर्यावरण संस्कृत चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी, आप किसी भी विषय की मैथमेटिक्स किसी भी विषय के आप हमसे रिक्वेस्ट करते हो यदि, तो हम अगले ही दिन आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आपको ये मैटर हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।